वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब वेलकम बैक एवरीबॉडी चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे डोले शोले की तरह बहुत स्ट्रांग है अरे यार दिमाग कहां डोले की तरह स्ट्रांग होता है वो तो शार्प होता है ना चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज कटांगा जम्बिया बेल्ट इन अफ्रीका इज रिच इन विच मिनरल एंड योर ऑप्शन आर गोल्ड

करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए क्लाइमेट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉप्युलेशन ऑप्शन नंबर ए जोग्राफिकल बी इकोनॉमिक सी सोशल डी ऑल ऑफ द अबव एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इस वीडियो में अब हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे सीबीएसई ने पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज दोनों को एक ही चीज माना है हालांकि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है लेकिन मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता तो इसलिए जो एनसीआरटी में लिखा है हम वैसे ही पढ़ेंगे तो एनसीआरटी में लिखा है पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सिंपली बोलें तो एक रीजन में जो टाइम पीरियड हमने चूज किया है उसमें कितने नंबर ऑफ इनहेबिटेंट डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं अच्छा चलो एग्जाम्पल से समझो ये एक फिक्स टेरिटरी है 2020 में यहां पे 500 लोग रहते थे और 2021 में इसी फिक्स टेरिटरी की पॉपुलेशन बढ़कर हो जाती है 600 तो यहां पर सिंपल कैलकुलेशन करने से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाएगी 100 मतलब इस रीजन में 2021 में हमारी पॉपुलेशन 100 पीपल से बढ़ गई है अगर हम 2020 के कंपैरिजन में बात करें तो और अगर हमारी पॉपुलेशन 2021 में 400 पीपल हो जाएगी तो देखो पहले तुम लिखोगे फाइनल ईयर की पॉपुलेशन और उसमें से माइनस कर दोगे इनिशियल ईयर की पॉपुलेशन फाइनल ईयर है यहां पर 2021 और इनिशियल ईयर है 2020 ट्वेंटी बस फिर बेसिक कैलकुलेशन करो और तुम्हारे पास आंसर आएगा माइनस हंड्रेड अब यहां पर यह माइनस हमें बता रहा है कि इस रीजन में नेगेटिव ग्रोथ हुई है और तो और ये जो माइनस हंड्रेड है ये आंसर हमारा एब्सोल्यूट नंबर्स में आया है चलो हम इस पॉपुलेशन ग्रोथ को परसेंटेज में निकालने की कोशिश करते हैं ये फॉर्मूला बेसिकली तुम चैप्टर नंबर वन ऑफ योर इंडियन इकोनमी वाली बुक में पढ़ोगे और सभी कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास आंसर आता है माइनस ट्वेंटी परसेंट और इससे हमें यह पता लगता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है पॉपुलेशन ग्रोथ को हम एब्सोल्यूट नंबर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इन एन एरिया इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट सोशल अपलिफ्टमेंट एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन देखो पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी रीजन में नेगेटिव ग्रोथ हो रही है तो हमें उस रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में क्या पता चलता है फॉर एग्जाम्पल इस रीजन में नेगेटिव ग्रोथ हो जाती है तो सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है मतलब वो रीजन इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है सेकेंडली अगर हम बात करें उस रीजन के सोशल अपलिफ्टमेंट में तो लोग उस रीजन को शायद इसलिए छोड़कर चले गए होंगे क्योंकि वहां पे इक्वालिटी नहीं होगी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में बहुत लड़ाई होती होगी वहां पर रिलीजन के नाम पे दंगे होते होंगे कुछ प्लेसेस को लोग इसलिए भी छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं होता ऐसी अफवाह फैली होती है कि इस जगह पर भूत परेत रहते हैं ये जगह श्रापित है फॉर एग्जाम्पल बानगढ़ का किला या मेरठ का डीपी ब्लॉक बहुत हॉन्टेड प्लेसेस है गाइस प्लीज आप इन प्लेसेस पे भूल कर भी मत जाना कौन है किसने मुझे पुकारा मैं तेरा खून पी जाऊंगा मुझे लगता है मैंने उस भूत को जिंदा कर दिया खैर चलो आता रहेगा भूत भूत मेरे सामने तो हम देख लेंगे उसे कल्चरल बैकग्राउंड का एग्जाम्पल तुम मुझे बताओगे ये तुम्हारा होमवर्क है चलो हम देखते हैं अगर किसी रीजन में पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है तो हमें उस रीजन के इकोनॉमिक डिवेलपमेंट के बारे में क्या पता चलता है हो सकता है उस रीजन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हों, उस रीजन में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हों। सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करें तो क्या पता उस सोसाइटी में बहुत इक्वालिटी हो मेल फीमेल्स में कोई अंतर ना किया जाता हो हिस्टोरिकली बात करें तो वहां पे क्या पता इस रीजन की हिस्ट्री में आज तक कभी चोरी हुई ना हो या इस रीजन ने आईआईटी या जेईई जैसे पेपर्स में बहुत अच्छी अच्छी रैंक दिलवाई हो तो लोग ऐसी जगहों पे भी जाना पसंद करते हैं और लास्टली अगर हम बात करें कल्चरल बैकग्राउंड की क्या पता ये प्लेस बहुत ज्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस के साथ जुड़ी हो अब ये जो बॉक्स तुम्हारी बुक में दिया है हम जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं तो पहला आता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो यह होता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो कि नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी इन अ पर्टिकुलर एरिया इसमें हमारा एरिया फिक्स होता है एंड बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम और हाँ पॉपुलेशन ग्रोथ और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दोनों एक ही चीज है और इसीलिए इनकी डेफिनेशन भी सेम है अगर हम खाली ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो इसे हम एब्सल्यूट नंबर में निकालते हैं ये तुम्हें एक छोटी सी टेबल दी है और तुम्हें इसमें कैलकुलेट करना है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो इसमें हमें करना पड़ेगा पॉपुलेशन ऑफ 2011 माइनस पॉपुलेशन ऑफ 2001 और कैलकुलेशंस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 18.32 पॉइंट इससे हमें यह पता लगता है कि इंडिया में पॉजिटिव ग्रोथ हुई है और जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है वो 2001 के कंपैरिजन में 18.32 पॉइंट करोड़ पीपल से इंक्रीज हो गई है अब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रेट होता है इसका मतलब होता है परसेंटेज तो सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज मतलब ये जो 18.32 करोड़ पीपल बढ़े हैं अगर हम इसको परसेंटेज फॉर्म में दिखा देंगे तो वो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगी अब हम बात करते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की लिखा है दिस इज पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम देखो अब नेचुरली किसी भी जगह की पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर सकती है या तो वहां पे बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाएं या वहां पे बहुत सारे लोग मर जाएं तो जब सिर्फ बर्थ और डेथ के रेट से किसी एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ होता है उसे हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और हां यहां पे डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ का मतलब है नेचुरल ग्रोथ तो जो भी रीजन का हमें टाइम पीरियड दिए होंगे हम उन दोनों टाइम पीरियड की पहले नेचुरल ग्रोथ निकालेंगे और उसके बाद फाइनल ईयर की नेचुरल ग्रोथ माइनस इनिशियल ईयर की नेचुरल ग्रोथ और इस फॉर्मूले से हमें मिल जाएगी नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नेचुरल ग्रोथ निकालने का फॉर्मूला होता है बर्थ माइनस डेथ चलो इसे थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं फिर तुम्हें और समझ में आएगा ये हमें टेबल दे रखी है पहले हमें निकालना पड़ेगा नेचुरल ग्रोथ ऑफ 2019 एंड नेचुरल ग्रोथ ऑफ 2020 थाउजेंड हमें पता है बर्थ माइनस डेथ और फिर कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास थ्री और सेवन आएगा अब हम नेचुरल ग्रोथ ऑफ 2020 को माइनस कर देंगे नेचुरल ग्रोथ ऑफ 2019 से और जो आंसर आएगा वो होगी हमारी नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन टू टू थाउजेंड तो इस रीजन की नेचुरल ग्रोथ आ गई हमारे पास फोर मतलब 2020 में चार लोग ऐड हो गए हैं 2019 के कंपैरिजन में बर्थ एंड डेथ के रिलेशन में अब ग्रोथ सिर्फ डेथ और बर्थ से तो मेजर कर ही नहीं जा सकती क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक रीजन को लोग छोड़कर चले गए फिर दूसरे रीजन के लोग हमारे रीजन में आ गए तो इससे भी तो पॉपुलेशन पे असर पड़ता है एक्चुअल ग्रोथ निकालने के लिए पहले हमें बर्थ माइनस डेथ निकालना पड़ेगा और उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन और फिर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे और जो आंसर हमारे पास निकल कर आएगा वो होगा एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अब चलो हम देखते हैं कि पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है जब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तब हम कहेंगे कि उस रीजन में पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुई है तो अब इसके दो रीजन हो सकते हैं या तो बर्थ रेट हमारे बहुत ज्यादा हो डेथ रेट से या फिर हमारे इन माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो आउट माइग्रेशन से और जब हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज करती है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इसके भी दो सिंपल रीजन हो सकते हैं या तो हमारी जो डेथ है वो बर्थ रेट से ज्यादा हो या जो हमारी आउट माइग्रेशन का नंबर है वो इन माइग्रेशन के नंबर से बहुत ज्यादा हो अब हम देखते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज ये तो हम जानते हैं पॉपुलेशन चेंज होती है बर्थ की वजह से डेथ की वजह से और माइग्रेशन की वजह से तो पहले हम पढ़ते हैं क्रूड बर्थ रेट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीबीआर क्रूड बर्थ की डेफिनेशन है इट इज एक्सप्रेस नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन पर ऑफ पॉपुलेशन सीबीआर कैलकुलेट करते हुए हम नंबर ऑफ बर्थ लेते हैं मतलब कितने बच्चे जिंदा बचे क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही मर जाते हैं हम उन्हें काउंट नहीं करते और इसमें हम थाउजेंड पीपल का सैंपल लेके कंपेयर करते हैं सीबीआर कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है बी आई डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड यहां पर बी आई हमारा बर्थ रेट है और पी हमारी मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दॉपुलेशन जून या जुलाई के महीने में उस रीजन में रही होगी हम उसे ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए अब एग्जाम्पल से समझो जैसे एक रीजन में थ्री हंड्रेड लाइफ बर्थ हुए और उस रीजन की मिड ईयर पॉपुलेशन है टेन थाउजेंड तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा थर्टी सीबीआर से तुम्हें यह पता लगेगा कि उस ईयर में तुम जब भी सर्वे करोगे तो हर थर्टी कैरेक्टर एक छोटा सा बच्चा होगा या फिर ऐसे समझ लो इन हजार लोगों के पॉपुलेशन में तीस बच्चे सर्वे देने आएंगे बाकी के ये जो बच्चे हुए हैं और ये नाइन सेवेंटी पीपल अडोलसेंट हो सकते हैं ओल्ड एज पीपल हो सकते हैं वर्किंग एज पीपल हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं ये सेकेंड चीज आती है क्रूड डेथ रेट मतलब सी डी आर इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया हमें बताता है कि अगर हम थाउजेंड पीपल का सैंपल ले तो उसमें से कितने लोग मर गए इसका फॉर्मूला होता है डी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड इसे भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं फॉर एग्जाम्पल एक रीजन में दस लोगों की मौत हो गई उस रीजन की मिड ईयर पॉपुलेशन थी थाउजेंड बस फॉर्मूले में डाल के और कैलकुलेशंस करो तो हमारे पास आंसर आ गया टेन तो इससे हमें यह पता लगेगा कि हर साल हजार में से दस लोग अपनी जान गवा देते हैं सीबीआर से हम किसी भी रीजन की मोर्टैलिटी निकाल सकते हैं चलो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बर्थ और डेथ हैं ये किसी भी रीजन की पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे इंपैक्ट करते हैं देखो अगर किसी रीजन में बहुत ज़्यादा हाई बर्थ रेट होगा और हाई डेथ रेट होगा तो वहां की पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट रहेगी मतलब पॉपुलेशन ग्रो कर सकती है लेकिन वो जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो बहुत बड़ा नहीं होगा जैसे कि एक रीजन में छः पीपल रहते हैं और हाई बर्थ होने की वजह से यहाँ पे चार बच्चे जन्म ले लेते हैं और हाई डेथ रेट होने की वजह से यहाँ पे तीन लोग मर जाते हैं तो यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है सेवन जो कि सिक्स के पास ही है एंडहेंस द पॉपुलेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट अब सेकंड केस है कि हमारे बर्थ रेट हाई रहे लेकिन डेथ रेट कम हो जाए फॉर एग्जांपल ये वही छह पीपल हैं और अब यहां पे चार बच्चों का जन्म होता है और सिर्फ एक ह्यूमन मरता है तो यहां की पॉपुलेशन हो जाएगी नाइन और इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस कंडीशन में जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से ग्रो करती है अब थर्ड कंडीशन है कि हमारे बर्थ रेट कम हो जाए और डेथ रेट बहुत हाई हो जाए जैसे ये छह पीपल है इनमें सिर्फ दो ही बच्चे पैदा हुए लेकिन मरने वाले चार थे तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन आ गई फोर अगर ऐसी कंडीशन हमें कहीं देखने को मिल जाए तो वहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी और लास्ट है जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत कम हो फॉर एग्जांपल वही छ लोगों का सैंपल मान लो सिर्फ एक बच्चा पैदा हुआ और एक इंसान मर गया तो हमारी पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट रही और यही सिमिलर चीज तुम इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन में भी लगा के देख सकते हो अब जो हमारा सी डी आर है वो कई चीजों से अफेक्टेड होता है फर्स्टली डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जिसे हम चैप्टर नंबर थ्री में पढ़ेंगे सेकेंड सोशल एडवांसमेंट ऑब्वियस बात है जिस सोसाइटी में एडवांसमेंट नहीं हुआ होगा वहां के लोग लड़ेंगे और फाइट करेंगे तो भैया लोग तो मरेंगे ही थर्ड फैक्टर है इकोनॉमिक डिवेलपमेंट अगर किसी रीजन में लोगों के पास अपना इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है तो वो लोग मर जाएंगे और इससे हमारी मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगी अब बात करते हैं माइग्रेशन की माइग्रेशन तो तुम सबको पता ही है इट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जैसे तुम इस प्लेस ए को छोड़कर प्लेस बी में चले गए तो ये तुमने माइग्रेशन करी है अब जिस जगह को तुम छोड़ के गए हो उस जगह को हम कहेंगे प्लेस ऑफ ओरिजन क्योंकि यहां से तुमने माइग्रेशन की स्टार्टिंग करी थी ये ओरिजिन पॉइंट है और ये जो प्लेस बी है इसे हम कहेंगे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्योंकि अब तुम माइग्रेट कर कर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हो मतलब अपनी मंजिल पर पहुंच गए हो प्लेस ए पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि तुम उस जगह से मूव कर गए हो लेकिन वहीं पे प्लेस बी की पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज करेगी क्योंकि तुमने उस रीजन बी में जाके वहां की पॉपुलेशन ही तो बढ़ाई है अब तीन तरह की माइग्रेशन होती है परमानेंट जब तुम ए प्लेस से बी प्लेस में चले गए और अब तुम बी प्लेस में ही रहोगे तुम्हारा कोई इरादा नहीं है ए प्लेस पे वापस आने का सेकेंड है माइग्रेशन जैसे तुम अपनी प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़कर दिल्ली चले गए डीयू में पढ़ने के लिए और तुम वहां पर दो तीन साल रहे और जब तुम्हें डिग्री मिल गई तो तुम वापस अपने घर पर आ गए और तीसरी माइग्रेशन होती है सीजनल माइग्रेशन और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्रांस ह्यूमंस मतलब जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं तो पहाड़ों पर तो सर्दियों में बर्फ पड़ती है और वहाँ बहुत ठंडा हो जाता है तो ये लोग पहाड़ों की चोटी से उतरकर नीचे आ जाते हैं और फिर जब समर सीजन होता है तो ये वापस अपनी उसी चोटी पर पहुंच जाते हैं अब एक अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन भी होती है जैसे तुम्हारा ट्रांसफर दिल्ली टू मुंबई हो गया सेकंड आती है रूरल अर्बन माइग्रेशन जिसमें लोग अपने गांवों को छोड़ छोड़ के शहरों की तरफ आ जाते हैं थर्ड है रूरल टू रूरल माइग्रेशन कि एक गांव से दूसरे गांव में चले गए और फोर्थ है अर्बन टू रूरल माइग्रेशन मतलब जब तुम शहरों से गांवों की तरफ माइग्रेट कर रहे हो अब देखो जब तुमने अपनी प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ा और तुम प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन की तरफ गए तो इसका मतलब है तुमने अपनी प्लेस ऑफ ओरिजिन से ईमाइग्रेशन e किया है मतलब तुमने उस रीजन को एग्जिट कर दिया देखो ई फॉर ई माइग्रेशन ई फॉर एग्जिट और तुम प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में इमिग्रेशन कर जाओगे मतलब उस प्लेस के इनसाइड रहने के लिए चले जाओगे आई से इमिग्रेशन आई से इन तुम अपनी प्लेस ऑफ ओरिजिन के लिए ईमाइग्रेंट e हो गए और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे तुम्हें इमिग्रेंट कहा जाएगा सब ऐसे छोटे छोटे ही कॉन्सेप्ट हैं जो तुम्हें अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे अब एनसीआरटी तुमसे पूछती है कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई पीपल माइग्रेट और एनसीआरटी तुम्हें सिंपल सा जवाब भी देती है येस देर आर टू रीजन वाई पीपल माइग्रेट पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स पुश फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जो कि प्लेस ऑफ ओरिजिन को लेस अट्रैक्टिव बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट अगर उस रीजन में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो लोग उस रीजन को छोड़कर जाना पसंद करेंगे सेकेंड नेचुरल डिजास्टर जैसे लैंड स्लाइड एंड एवेलांच की वजह से लोग माउंटेनियस रीजन पर नहीं रहते हैं और थर्ड है पॉलिटिकल टर्मोइल मतलब टेररिज्म वगैरह और अब पुल फैक्टर्स क्या होते हैं ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं जैसे कि वहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी बेटर लिविंग कंडीशन होंगी जैसे हॉस्पिटल्स होंगे एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी होंगी और अगर उस रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी है तो क्या ही कहने जिस कंट्री में सबसे ज्यादा इमिग्रेशन होती है उसका नाम है यूएसए और ऐसी कंट्री जिससे सबसे ज्यादा इमाइ्रेशन e होती है वो बुक के हिसाब से मैक्सिको क्योंकि बुक में अभी पुराना डेटा है अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो सबसे ज्यादा ई माइग्रेशन होती है इंडिया से मतलब कैन यू थिंक पीपल हम इंडियंस अपने इंडिया को एग्जिट करके चले जाते हैं यह बहुत शर्मनाक बात है क्योंकि इससे ग्लोबल लेवल पे इंडिया की जो रेप्यूटेशन है वो बहुत गिर जाती है क्योंकि सबको लगता है कि इंडिया में पुश फैक्टर्स हैं वैसे क्वेश्चन आने का नहीं है बोर्ड्स में ये मेरी 100 परसेंट गारंटी है लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसमें अगर इंडिया ऑप्शन दिया गया है तो तुम इंडिया पे ही टिक करना और एक बार तुम अपनी स्कूल टीचर से भी बात कर लेना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है चलो बाय अब मैं जा रहा हूँ अपनी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे दैट इज प्ले आई होप तुम्हें अभी तक सब कॉन्सेप्ट समझ में आए हों एंड प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी